आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको आधार कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करके कस्टमर को देना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे दुकान वाले हैं जो नए नए दुकान ओपन किए हैं, खोले हैं, उसको आधार कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करके कस्टमर को यानी ग्राहक को देना नहीं आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से आधार कार्ड को डाउनलोड करके अगर आप दुकान चला रहे हैं या शॉप चला रहे हैं या साइबर कैफे चला रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से आधार कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करके आप ग्राहक को दे सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस बेल के बटन को प्रेस करिए, इसके बाद क्या करना है उसको ऑल कर देना है। ऑल करने से ये होगा बिना कहीं रुके डायरेक्ट ये वीडियो जो है आपके पास पहुँचा करेगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आप आधार कार्ड को प्रिंट आउट निकाल के किस तरीके से आप कस्टमर यानी ग्राहक को कैसे दे सकते हैं हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीके से आधार कार्ड को प्रिंट आउट कैसे निकाला जाता है और कस्टमर को कैसे प्रिंट आउट निकाल के कैसे दिया जाता है और आप जो है बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से आप जो है आधार कार्ड को प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास शॉप है या साइबर कैफे है तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा किस तरीके से आप आधार कार्ड प्रिंट करके आप ग्राहक को कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे डाल देना है UIDAI से डालेंगे। यहाँ पे देखिए UIDAI.gov.in आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे देखिए कि एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा होगा डाउनलोड आधार, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देख रहे हैं 12 डिजिट UID, मतलब आपको जो है आधार नंबर जो है 12 डिजिट का वो आपको यहाँ पे जो है टाइपिंग कर देना है। इसका जो यहाँ पे इसको टिक करना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके उसी मोबाइल पे OTP जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से हम डाल के यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। सेंड OTP पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर जो है OTP सेंड हो चुका है और यहाँ पर मेरे केस में OTP आ चुका है तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। यहाँ पर जो है आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा तो आपको 10 मिनट में OTP डाल देना है। यहाँ पर 6 डिजिट का OTP आएगा, वो 6 डिजिट का OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ यस वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो है जो विदिन 5 वर्किंग डे आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि वेरीफाई को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है आधार कार्ड यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है आधार कार्ड यहाँ पर देखिए डाउनलोड होकर आ चुका है। अब जो है अपना आधार कार्ड को किस तरीके से जो है आप उसको ओपन करेंगे, अब जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो है आधार कार्ड जो है डाउनलोड होकर आ चुका है, उसको आप ओपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखा है तो आपको इसी तरीके से आपको जो है ओपन करना है। जैसे यहाँ पर देखिए नाम दे रखा है ईयर ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर देखिए शुरू का जो 4 जो है आपको नंबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अंक, यहाँ पर देखिए ANIS, यहाँ पर देखिए ANIS और ईयर ऑफ बर्थ, मतलब शुरू का जो है आपको 4 अंक होना चाहिए, इसके बाद आप जो है ईयर ऑफ बर्थ होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका जो नाम का शुरू का 4 जो है आपको जो है आपका अंक डालना है, इसका जो आप ईयर
यूज़र ऑफ बर्थ डालना है। चलिए हम यहाँ से फटाफट से डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके नाम के शुरू का चार जो है आपको अंक डालना है, इसके बाद जो है ईयर ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका आधार कार्ड यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आधार कार्ड यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। अब क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जो है आपको यहाँ पर आधार कार्ड आ जाता है, आपका पूरा एड्रेस आ गया। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बार कोड आ जाता है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर आधार कार्ड आ जाता है और इस तरीके से आपका यहाँ पे आधार कार्ड एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपका शो कर देता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डाउनलोड का जो है ऑप्शन है, आपको इसको क्या करना है, आप जो है यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं या प्रिंट निकाल के ग्राहक को देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रिंट वाला ऑप्शन है, प्रिंट वाले पर क्लिक कीजिएगा। प्रिंट वाले पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने में इस तरीके से जो है ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सब फॉर्मेट चूज कर लेना है, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कितना पेज चाहिए वो आपको इसमें से चूज कर लेना है, कस्टम या ऑल पेज चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं मोर सेटिंग, मोर सेटिंग वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि पेज साइज आपको कौन सा साइज चाहिए, यहाँ पर देखिए कि A4 साइज, तो अभी जो नॉर्मल जो होता है A4 साइज होता है, तो A4 साइज चूज करेंगे। यहाँ पर देखिए A4 साइज में आ चुका है। इसके बाद यहाँ देखिए पेपर पर सीट आप चूज करेंगे, कितना पेपर चाहिए, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, अगर एक चाहिए तो इस तरीके से एक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्केल है, यहाँ पर जो है यहाँ पर फिट टू प्रिंटेबल एरिया, फिट टू पेपर, कस्टम, तो आपको जो भी रखना है यहाँ फिट टू पेपर पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ प्रिंट वाले पर क्लिक कीजिएगा तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से अगर प्रिंटर जो है अटैच होगा तो वो जो है डायरेक्ट प्रिंट इस प्रिंट पर क्लिक मारिएगा तो वो जो है आपको प्रिंट होके आ जाएगा। मेरे केस में नहीं है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम डाल दीजिए, इस तरीके से मैंने नाम डाल दिया आधार, यहाँ सेव वाले पे क्लिक करके ये जो है मेरा है सेव, इस तरीके से सेव हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रिंटर अटैच रहेगा तो बहुत ही इजी तरीके से प्रिंट वाले पे क्लिक करते ही आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। और जो है आप जो है इसको कट करके यहाँ से और यहाँ से कट करके आप जो है कस्टमर को यानी ग्राहक को दे सकते हैं और उससे जो है 50 से 60 रुपया आप ले सकते हैं। और इस तरीके से आप जितने भी प्रिंट आउट निकालिएगा उतना आपको 50 से 60, 40, 50, 60 हर तरीके के जो है मार्केट में आदमी लेता है। तो इस तरीके से आप जो है अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइस बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप घर बैठे आधार कार्ड जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपका दुकान भी है तो दुकान में जो है इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल के आप कस्टमर ग्राहक को दे सकते हैं और उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से जो है प्रिंटर आपके लैपटॉप में नहीं है या कंप्यूटर में नहीं है तो इसको जो है सेव कर लीजिए या आप दुकान या साइबर कैफे में जाइए, वहाँ पर जो है इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। सो गाइस अब तो आप सीख ही लिया होगा कि किस तरीके से आधार कार्ड को प्रिंट आउट निकाला जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।